हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम इस लेक्चर में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन इन यूग्लिना के बारे में जानेंगे। देखो, बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या है? एक सेल से दो सेल बनना, राइट? देखो, यूग्लिना में बाइनरी फ्यूजन तभी होता है जब यूग्लिना को फेवरेबल कंडीशंस मिलता है। फेवरेबल कंडीशंस मतलब वाटर, टेम्परेचर, फूड एसेट्रा। ओके, तो ये सारी चीज़ जब यूग्लिना के फेवर में रहता है तभी यूग्लिना रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। ओके, तो यूग्लिना बेसिकली क्या है? यूग्लिना इज अ यूनिसेलुलर फ्लाजेलेटेड यूकैरियोट्स। ओके, यूकैरियोट्स। यूग्लिना बेसिकली कहाँ पर पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। सो यूग्लिना बेसिकली फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये यूग्लिना का एक सिंगल सेल है, ये फ्लाजेला है, ये न्यूक्लियस है और ये बेसल बॉडीज है। ओके, तो यूग्लिना जब डिवाइड करना स्टार्ट करता है तब पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस, ओके, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन। उसके बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, देखो, यूग्लिना जब डिवाइड करना स्टार्ट करता है तब क्या होता है? यूग्लिना के एंटीरियर पोर्शन में ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल फारो अपीयर होता है। ओके, विच प्रोग्रेस टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी एंड डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू डॉटर इंडिविजुअल। ओके, और जब न्यूक्लियस डिवाइड करना स्टार्ट करता है, न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करता है, माइटोटिकली, ओके, दैट इज माइटोटिक डिवीजन करता है। पहले प्रोफेज होता है, प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, देन टेलोफेज, राइट? तो ऐसे ही माइटोटिकली डिवीजन के द्वारा न्यूक्लियस दो हिस्सों में बढ़ जाता है। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब साइटोकाइनेसिस हो जाता है तब क्या होता है? दो डॉटर यूग्लिना सेल एक दूसरे से कम्प्लीटली सेपरेट हो जाता है, ठीक है? तो ऐसे ही यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन होता है।